नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे, और मैं हूं आशुकेश तिवारी। अभी से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आगामी चुनाव होने वाले 5 राज्यों में उसके डेट से रिलेटेड हमें जानकारियां मिली और गाइडलाइंस मिली हमें कि कैसे कैसे इलेक्शन होंगे। आज हम आपके पास लेके आए हैं पंजाब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि पंजाब में कितने चरण में इलेक्शन होंगे और किस तारीख को इलेक्शन होगा। आपको बता दें कि पंजाब में एक ही चरण में इलेक्शन होंगे, 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, और सिर्फ एक चरण में वहाँ पे इलेक्शन होगा, और इलेक्शन की तारीख है 14 फरवरी। जी हाँ, यानी आपके यहाँ आपके घर में 14 फरवरी को अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपको वोट देने जाना होगा, और उसका जो रिजल्ट होगा वो 10 मार्च को आएगा। आपको बता दें 10 मार्च को भी पंजाब का रिजल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल पंजाब से रिलेटेड ये खबर थी, हम आपको इसके साथ साथ और भी जानकारी देंगे इलेक्शन कमीशन ने कोविड गाइडलाइंस कैसे बने और बाकी सारी चीजों में काम कैसे कैसे किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।